सेवन एक्स माइनस वन बाय फोर हमने एज इट इज लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट. क्या आएगा यहाँ पे? माइनस वन बाय थ्री एज इट इज. ब्रैकेट में इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, मीन्स दिस इज वन. तो वी विल टेक द एलसीएम. क्या आएगा एलसीएम यहाँ पे? टू. ये हो जाएगा आपका टू टू जार फोर एक्स प्लस एक्स माइनस वन. एंड दिस इज इक्वल टू, ये कौन सा फ्रैक्शन गिवन है? मिक्स फ्रैक्शन गिवन है. राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर. कितना आएगा? 19 बाय 3. ठीक है, 19 बाय 3. अब अगेन ब्रैकेट वाली सिंप्लीफाई करके लिख लो टर्म. 4x प्लस एक्स इज 5x माइनस 1 बाय 2. दिस इज इक्वल टू 19 बाय 3. नाउ 7x माइनस 1 बाय 4. अब ये ब्रैकेट जो है मैं ओपन कर रही हूँ, साइन चेंज नहीं कर रही हूँ मैं. अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 19 बाय 3. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, एक्स वाली टर्म्स और कॉन्स्टेंट्स को अलग अलग लिख लेंगे. यहाँ नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना, तो साइंस अंदर वाले चेंज हो जाएंगे. जो पॉजिटिव था दैट विल बिकम नेगेटिव, और जो नेगेटिव था दैट विल बिकम पॉजिटिव. अब x वाली सभी टर्म्स लेफ्ट पे रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स वी विल ब्रिंग टू द राइट हैंड साइड. सो दिस विल बिकम 7x माइनस 7x बाय 4 माइनस 5x बाय 6. दिस इज इक्वल टू 19 बाय 3 ऑलरेडी इधर था, 1 बाय 6 एंड माइनस 1 बाय 4 हम इधर लेके जाएंगे. हाँ जी, क्या ये वाला कह रहे हो? यही कह रहे थे. 19 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 इधर आके प्लस 1 बाय 4, 1 बाय 6 पॉजिटिव इधर आके माइनस 1 बाय 6. क्लियर यहां तक? अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप? क्या आएगा? 4 और 6 का एलसीएम विल बी 12. सो दिस विल बी 21x माइनस 10x. दिस इज इक्वल टू 3, 4, 6 का एलसीएम विल बी 3, 4, 6 अगेन 12. सो दिस विल बी 19 4s are, दिस विल बी 4 3s are एंड 6 2s are. यहां तक क्लियर है? बस कैलकुलेशंस ही है यहाँ. सो दिस इज 11 बाय 12x इज इक्वल टू 76 प्लस 3 इज 79 माइनस 2 इज 77 बाय 12. 12 डिनोमिनेटर में है दोनों के, तो या तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म है, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल आउट कर सकते हो. दैट इज अप टू यू. मैंने डायरेक्ट कर दिया. नाउ आई एम लेफ्ट विद 11x इज इक्वल टू 77, दैट इज x इज इक्वल टू 7. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, चले नेक्स्ट टाइप पे. ये हो गया नोट डाउन. अब नेक्स्ट हमें गिवन है, फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12. मुझे इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12. मुझे पॉइंट्स निकालने हैं वेयर दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन, लाइन गिवन है मुझे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12. फाइंड द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन मीट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस. x एक्सिस में मीट करेगी तो क्या होता है? y कोऑर्डिनेट इज जीरो. y एक्सिस में मीट करती है तो x कोऑर्डिनेट इज जीरो. गिवन लाइन ये है, इट विल मीट एक्स एक्सिस
हाँ जी सो यहां मैं केक एच कॉमा जीरो ले लेती हूँ. सो दिस विल बी 3H प्लस 4 इंटू जीरो इज इक्वल टू 12. 3H इज इक्वल टू 12 यानी कि H इज इक्वल टू 4. तो पॉइंट क्या आ गया हमारा 4 कॉमा जीरो. नाउ इट विल मीट y एक्सिस वेयर द x कोऑर्डिनेट विल बी जीरो. बच्चे एक बात मैं बार बार कह रही हूँ, मैं जो यहाँ ऐसे लिख रही हूँ वो सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप जब कभी बाद में रिवाइज करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्यों लिया. लेकिन जब आप एग्जाम्स के लिए या टेस्ट के लिए सॉल्व करोगे उस टाइम ये मत लिखने बैठ जाना, सीधा पॉइंट एज्यूम करना, एच कॉमा जीरो वैल्यू पुट करना एंड गेट योर आंसर. ठीक है, जितना टाइम आप कैलकुलेशन में सेव कर सकते हो यू आर टू सेव दैट. इट विल मीट वाई एक्सिस. कैलकुलेशन में कोई शॉर्टकट ना मारना, वहां पे फिर आप मिस्टेक करते हो अदरवाइज. लेट दिस बी ऑफ द फॉर्म जीरो कॉमा के. तो 3 इंटू जीरो प्लस 4 इंटू के इज इक्वल टू 12. के इज इक्वल टू 3. सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0.3. क्लियर? चले अगले पे. अब स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, आप बताओगे ये मुझे. एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 मीट अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. समझ आया क्वेश्चन यहां तक? एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5. ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है कि इस लाइन का ग्राफ जो है वो किस पॉइंट पे मीट करेगा एक लाइन को विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है, एक लाइन हमें वाई एक्सिस के पैरेलल गिवन है, हमें बताना है कि इस लाइन का ग्राफ जो पैरेलल लाइन है उसको कहां पे मीट करेगा. लाइन जो है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. जिस लाइन के पैरेलल हमने निकालना है, जो हमें मतलब लाइन पैरेलल गिवन है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पता है ना. ठीक है, अब क्या फिगर बनेगी इसकी रफ में अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ? पहले पैरेलल वाली लाइन बना ले, कहां से जाएगी? दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन. दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स यानी कि 2 से पास करेगी. अब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू 2. ठीक है, और ये वाली लाइन क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो कैसे करेंगे? कैसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है. x इज इक्वल टू 2 गिवन है, यानी कि लाइन चाहे यहां से पास करे, चाहे यहां से पास करे, चाहे यहां से पास करे, चाहे ऐसे पास करे, लाइन का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज फिक्स, वो क्या आएगा? 2 आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे x को 2 पुट कर दो. लेट द पॉइंट बी 2 कॉमा k. मुझे नहीं पता क्योंकि y की वैल्यू क्या है, तो पॉइंट 2 कॉमा k है तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. तो पॉइंट विल बी 2.3. क्लियर? ठीक है, समझ आ गया. नाउ एट व्हाट पॉइंट ही बताना था हमें, एट व्हाट पॉइंट. क्वेश्चन दोबारा एक बार समझ लो. एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, जो मैंने अभी ऐसे और ऐसे लाइन्स ड्रॉ करके दिखाई थी, ये इस लाइन को कहाँ पे कट करेगा? किस लाइन की? उस लाइन की बात की है विच मीट्स द विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के पैरेलल है. कहाँ पे पैरेलल है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दिस इज योर ओरिजिन. ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे. पैरेलल टू वाई गिवन था, ये लाइन आ गई.
यानी कि x की वैल्यू 2 फिक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटरसेक्ट दिस लाइन एट 2, k, क्योंकि x की वैल्यू 2 फिक्स हो चुकी है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने पॉइंट्स की वैल्यूज पुट की एंड आपके पास k की वैल्यू आ गई, 2, k से वो पास कर रही थी, तो 2, 3 विल बी योर आंसर, पॉइंट उन्होंने आपसे पूछा है। डिटरमिन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus 5y equal to 20। दोबारा सुनो, ये इक्वेशन हमें गिवन है। डिटरमिन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा उस लाइन पे हमने एक पॉइंट निकालना है। किस वे में निकालना है? हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। Whose x coordinate is 5/2 times its ordinate. तो एब्सिसा ऑर्डिनेट वगैरह सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको। अब ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या निकालना है? वी आर टू फाइंड द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स मीट। क्या करेंगे? यस, x की वैल्यू 5/2 इसमें पुट कर दो, 5/2y, ये 2 और 2 कैंसल्ड, 5y प्लस 5y इज 10y इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 2, y 2 आ गया, तो x कितना आ जाएगा? 5, तो पॉइंट क्या आ गया? 5, 2, क्लियर? चलो अब ये खुद करो। Determine the point on the graph. Determine the point on the graph. Graph पे ही आपने point निकालना है. Of the line है 2x plus 5y equal to 19. 2x plus 5y equal to 19. Whose ordinate is 1.5 times its abscissa. ऑर्डिनेट इज 1.5 टाइम्स एब्सिसा। ऑर्डिनेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2, एब्सिसा इज रिटन एज, नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड टेल मी द आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो डू दिस, सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। टू एक्स प्लस 5 इंटू दिस विल बिकम 3/2x इज इक्वल टू 19, 2x प्लस 15/2x इज इक्वल टू 19, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल बी हैविंग 2 2 4 प्लस 15, 19x बाई 2 इज इक्वल टू 19, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके y कितना आ जाएगा? 3, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी 2, 3। जैसे मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, ट्राई टू डू द प्रैक्टिस इन दैट वे ओनली, बट कैलकुलेशंस ध्यान से करना, देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। एक मिस्टेक मतलब 1 mark यू विल लूज, यहाँ हाफ ऑफ मार्क वाला कोई कंसेप्ट नहीं है आपका, सो यू हैव टू बी अटेंटिव। डन, चलें आगे। राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट each point on its graph has ordinate 3 times its abscissa. Verbally बता सकते हो ये। एक linear equation आपने लिखनी है such that each point on its graph, कि अगर हम उसके graph पे जो linear equation हम बनाएंगे उसके graph पे कहीं भी कोई भी point लें तो उसका जो ordinate है that will always be 3 times its abscissa. Ordinate will be 3 times abscissa means y is equal to 3 times x. Ordinate is 3 times abscissa. Ordinate 3 times abscissa. Ordinate किससे represent करते हैं? y से. Abscissa किससे करते हैं? तो equation क्या आ गई? y is equal to 3x. Clear? हाँ जी? Equation ही form करनी है.
x comma. क्वेश्चन क्या था, राइट द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन पूछी थी हमने, ठीक है, पॉइंट नहीं पूछा, राइट द लीनियर इक्वेशन था तो हमने लीनियर इक्वेशन बना के छोड़ दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट किया हुआ है ऐसा करके, अब फटाफट आप आंसर दोगे. इफ द पॉइंट 3.4 लाइज ऑन द ग्राफ, इफ द पॉइंट 3.4 लाइज ऑन द ग्राफ 3y equal to ax plus 7, 3y equal to ax plus 7, then find the value of a. Point 3.4 lies on the graph of 3y equal to ax plus 7, find a. अब मैंने जितनी स्टेटमेंट लिखी है, अगर आप इतनी भी लिख लेते हो आपको लेटर ऑन क्वेश्चन समझ आ जाएगा. क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3, 4 इस पे लाई कर रहे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी. मैंने पूरी डिटेल में स्टेटमेंट नहीं लिखी है. 5/3 दैट इज ओके. आप क्या करोगे, वाई को 4 पुट कर दो और एक्स को 3 पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर. सो ए इज 5/3. क्लियर, डन, समझ आ रही है क्वेश्चंस? कहीं कोई डाउट हुआ, अगर लगे कि मेरी स्पीड तेज हो गई है तो यू कैन टेल मी, आई विल बी अ लिटिल बिट स्लो. नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8. वही क्वेश्चंस हैं, देखो बार बार थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं. Find the solution of the linear equation x plus 2y equal to 8 which represents a point on the x-axis and y-axis. X-axis or y-axis पे एक point को represent कर रहे हैं और equation given है ये. देखो पहले मैंने जो question करवाया था उसमें क्या था, where it meets the x-axis and y-axis हमें given था. अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि where it meets the x-axis and y-axis, यहाँ क्या कह रहे हैं, which represents a point on the x-axis and y-axis. So again, x-axis पे जो point होगा that will be of the form x, 0. Y-axis पे जो point होगा that will be of the form 0, y. So same question, language change. ठीक है, अब let the point on x-axis h, 0. So h plus twice of 0 is equal to 8, यानी कि पॉइंट क्या आ गया आपका 8.0. अ पॉइंट ऑन y एक्सिस दैट इज ऑफ द फॉर्म 0, k. तो x plus twice of 0, नहीं x को 0 पुट करोगे तो k is equal to 4. तो पॉइंट इज 0.4. सो सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे बट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी दैट वॉज चेंज्ड. चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो भी बन रहा है आपका. गिवन द पॉइंट 1.2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन on which it lies. A point 1.2 given है, equation of a line निकालनी है जिसपे वो lie करता है. कल किए हैं ऐसे बहुत सारे questions. Given a point 1.2, find the equation of the line on which it lies. एक point से you know that there can be infinite lines. Yes, कल मैंने ऐसे बहुत सारे question करवाए थे. Again थोड़ी सी language आज change हो गई है. कल उन्होंने क्या कहा था, 1.2 एक पॉइंट से पास करने वाली राइट टू इक्वेशंस या थ्री इक्वेशंस. आज वो क्या कह रहे हैं कि गिवन है पॉइंट आपको 1.2, राइट द इक्वेशन थ्रू विच लाइज, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच इट लाइज. तो अगेन सम
of x and y coordinate is 3. या difference किसी भी form में आप लिख सकते हैं, ठीक है? So there can be infinite such lines. अच्छा, अगर आपको आ जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन उन्होंने दी, आपने उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया और आपको बताना है कि वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो क्या करोगे? अगेन सेम चीज है, या तो ग्राफ से सीधा देख लो कि कहाँ पे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चेक कर रही है, अगर तो इंटेग्रल वैल्यूज आ रही है. अगर इंटेग्रल वैल्यूज नहीं आ रही तो एक बार एक्स को जीरो पुट कर लो, एक बार वाई को जीरो पुट कर लो. उसके बाद यामिनी और फातिमा वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड वर्क डन ये भी किए हुए हैं, सेल्सियस स्केल वाला भी किया हुआ है. ओके, नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. इक्वेशंस हमें गिवन है 2x plus 3y equal to 12. एंड सेकेंड इक्वेशन x minus y is equal to 1. Draw the graph of these given equations. इसके साथ ही आगे क्वेश्चन है, find the coordinates of the point where these lines intersect. ये lines कहाँ intersect कर रही हैं, वो coordinates हमने निकालने हैं. Also shade the region bounded by these lines and the x-axis. So सबसे पहला काम हमने क्या करना है, graph plot करना है. चलिए solution set बताइए फिर graph plot करने के लिए. किसका बता रहे हो? ओके, 0, 4 एक्स 0 तो वाई 4, वाई 0 तो एक्स 6, और ले लो एक पॉइंट. वाई अगर 2 लेते हो तो एक्स 3, ठीक है? अब दूसरा वाला बताइए, एक्स 0 तो वाई माइनस 1, वाई 0 तो एक्स प्लस 1, और एक्स 2 तो वाई 1. अब ग्राफ प्लॉट करेंगे. x की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक है और y की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक. जब आप इनको प्लॉट करोगे, डिस्टेंस इक्वल लेके चलोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है वो सही आएगा. हाँ जी, एक्स 0 तो वाई माइनस 1, एक्स 1 तो वाई 0, ये लाइन आ जाएगी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1. सेकेंड है, एक्स 0 है तो वाई 4 है, एक्स 6 है तो वाई 0 है, लाइन स्केल से सीधी लगाओगे, स्केल लिख लोगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट. अब क्या कहा उसने,
इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकालना है, तो व्हाट इज देयर इंटरसेक्शन पॉइंट? हाँ जी, कितना आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट? 2.5। मैंने अब जो ग्राफ बनाया है वहां पे स्पेसिंग इक्वल नहीं ली है, तो मैं ग्राफ से नहीं चेक कर सकती कौन से पॉइंट्स हैं। स्पेसिंग इक्वल ली होती मैंने तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज मिलनी थी। अब मैं ग्राफ से नहीं निकाल सकती। अगर मान लो मुझे ग्राफ से नहीं समझ आ रही, मुझे वैल्यूज डायरेक्ट निकालनी है, तो व्हाट अदर मेथड आई कैन यूज? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले कैसे? यहां से क्या गिवन है, x माइनस y इज इक्वल टू 1, यानी कि x किसके इक्वल आ गया, y प्लस 1 के। x की ये वैल्यूज में पुट कर दो, ये मेथड आपने कहाँ यूज करना है, जहां पे डेसिमल्स से मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है बीच में, तो आई विल यूज दिस मेथड कि मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगी, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर तो ग्राफ से क्लियर कट पता लग रहा है इंटेग्रल वैल्यूज, तो फिर सीधी ले लो। अगर नहीं पता लग रहा, जैसे अब यहाँ नहीं मुझे पता लग रहा क्योंकि मैंने स्पेसिंग ही इक्वल नहीं ली है, तो आई विल गो फॉर दिस मेथड। और ये मेथड हमेशा सेफेस्ट ऑफ ऑल होता है। 2y प्लस 2 प्लस 3y इक्वल टू 12, 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 दैट इज 10, y इज इक्वल टू 2, y 2 यहाँ पे पुट करो, x कितना आ जाएगा? तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? 3, 2। अगर ये हमने स्पेसिंग प्रॉपर लेके किया होता तब ये हमारा सही होना था, बट यहाँ मैंने स्पेसिंग क्योंकि प्रॉपर नहीं ली थी, सो दैट्स व्हाई जो हमारा ये आंसर आ रहा है, ये हमें उस तरीके से निकालना पड़ा। गॉट इट? अब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, 3, 2, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा था, शेड द रीजन बाउंडेड बाई दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। यहां ध्यान से करना है आपने, शेड द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड दीज लाइन्स, ये लाइन्स है और ये एक्सिस है, तो अब कौन सा रीजन शेड होगा जिसको ये ट्राइंगल क्या कर रही है? कवर कर रही है, यानी कि ट्राइंगल के अंदर का एरिया जो है दैट विल बी शेडेड। क्लियर है? ये तो था कि एरिया फॉर्म्ड बाय या रीजन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। सेम क्वेश्चन में अगर वो मुझे पूछ लेता है एरिया शेडेड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, अब ये लाइंस को लिया मैंने, ठीक है, साथ में कौन सी एक्सिस लेनी है मुझे, वाई एक्सिस, तो मैं ये ले, तो अब मेरा कौन सा एरिया जो है वो शेड होना चाहिए, दिस वन पर्पल वाला जो है, नाउ दैट इज टू बी शेडेड। So got it? X-axis कहा तो lines को darken कर लो, X-axis के साथ ले लो, Y-axis को कहा तो ये, फिर अगर Y-axis के साथ है तो ये वाला area नहीं लोगे, this you need not show, तो at a time एक ही area उन्होंने show करने को कहा होगा, या Y-axis के साथ वाला या X-axis के साथ वाला। Y-axis के साथ वाले में ये negative side पे भी जाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि line यहाँ तक आ गई। Got this point? Otherwise mostly बच्चे क्या करते हैं, ये वाला एरिया नहीं लेते हैं, सिर्फ इतना वो कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। वाई एक्सिस जहां लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है वो पूरा एरिया आपको लेना, दैट होल एरिया यू आर टू शेड। फॉर दिस, अब समटाइम्स आपको इसी में क्वेश्चन आ जाता है, नेम द फिगर फॉर्म, कौन सी फिगर फॉर्म हो रही है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म। अगर एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड आ जाता है, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या किया हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये वाले नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लो, ठीक है, और यहाँ से जो इस तरह से आपके बॉक्सेस होंगे वो काउंट कर लेना,
और हाफ इंटू दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू एलबीडी. गॉट इट? कोई भी चीज जो लगेगी आपको कि नहीं की हुई है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको दो तीन बार रीड करो. अगर कोई चीज लगता है कि नहीं ये पेपर में नई चीज है, मैं हमने नहीं की हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. लैंग्वेज में आपको पहले ही बता रही हूँ कि जो लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन होगा दैट मे बी चेंज, बट कंसेप्ट आपके सारे किए हैं. ठीक है? सो कंसेप्ट क्लैरिटी अगर है तो यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन द पेपर.